नमस्कार दोस्तों, हलवाई चंदल पर आप सभी का स्वागत है। हलवाई चंदल दोस्तों, आज आपके लिए लेकर बेसन की पापड़ी। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल के हमारी बट्टी है वो सेलू कर दी, और यहाँ पर है 5 किलो बेसन, ये हीरा बेसन है। प्योर बेसन में हम पापड़ी निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 5 किलो बेसन आ गया, इसके अंदर डाल देंगे नमक 150 ग्राम, आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों 2 लीटर पानी। यहाँ पर हमारा 2 लीटर पानी आ गया, आटे को अच्छे से मसल के लेंगे, यानी आटे को एकदम इसके एक डो तैयार कर देंगे। बहुत शानदार रेसिपी दोस्तों, एकदम हलवाई स्टाइल में आपको ये रेसिपी मिल रही है, परफेक्ट वजन के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आटा है वो लग के अच्छे से तैयार हो गया है। चलते हैं तेल की तरफ, और ये देखिए हमारा तेल है वो गर्म हो गया। इसके अंदर निकालेंगे हम पापड़ी बेसन की। ये देखिए हमने एक जारा लिया, जारे के ऊपर हमने बेसन रख दिया, और एकदम हल्के हाथों से घसेंगे। तेल है वो गर्म हो गया है अच्छे से। जारे को मजबूत पकड़ेंगे पीछे से, और ये देखिए एकदम हल्के हाथों से घिसते रहेंगे ताकि पापड़ी वो हमारी अच्छे से निकल जाए। ये 5 किलो बेसन की पापड़ी है दोस्तों, 5 किलो बेसन की पापड़ी है, 7 से 7.5 किलो पापड़ी बन के तैयार हो जाएगी। एक जारे से इसको धीरे धीरे पलटेंगे ताकि पापड़ी तेल के अंदर एकदम खुली हो जाए। ये देखिए 2 मिनट के लिए अच्छे से पकेंगे, उसके बाद में तेल में से निकाल देंगे हम बाहर। ये पापड़ी हमारी अच्छे से पक गई है, इसको निकाल देते हैं बाहर। और यहाँ पर ये बेसन की पापड़ी बन के रेडी होगी, एकदम प्योर हीरा बेसन में ये पापड़ी बनी है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर चावल का आटा या मक्की का आटा डाल के भी आप पापड़ी बना सकते हो, तो वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। ये एकदम हीरा बेसन की पापड़ी है। अगर इसको आप होलसेल में बेचने को जाओगे तो 140 रुपये किलो से बेचोगे तो आप मार्केट में बहुत परफेक्ट मिलेगा। एकदम प्योर हीरा बेसन का पापड़ी है ये। और इससे अगर कम रेट में आपको अगर पापड़ी की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम इससे भी कम रेट में आपको पापड़ी बना के बताएंगे। लेकिन ये प्योर हीरा बेसन बनी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों पापड़ी बन के रेडी हो गई है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हलवाई चैनल पर आपको हलवाई स्टाइल में एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पूरी रेसिपी मिल रही है। तो यहाँ पर पापड़ी वो पक गई है, इसको निकाल देते तेल से बाहर। एकदम खुली पापड़ी बन रही है अगर इसी तरह आप बनाओगे तो। और ये लकड़ी की बट्टी बन रही है, यानी 7 किलो लकड़ी के अंदर आप 5 किलो बेसन आराम से निकाल सकते हो, इतना सस्ता पड़ता है। अगर डीजल पे और गैस पे निकालो तो ये महंगा पड़ता है, लेकिन लकड़ी की बट्टी पे जो नमकीन निकालोगे आप वो बहुत सस्ती पड़ती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये लकड़ी की बट्टी कैसे बनाता है उसके भी वीडियो में बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। और ये देखिए लाजवाब हमारी पापड़ी बनकर तैयार होगी। मिलते हैं दोस्तों एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, खाते रहे खिलाते रहे।